आदित्यनाथ के ट्वीट की, जिन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है, औरंगजेब की तरह पिता को भी अपदस्थ किया, फूटी आंख नहीं सुहाने वालों से हाथ मिलाया, 23 के बाद एक दूसरे से गाली ग्लौच करेंगे। जिसने औरंगजेब की तरह पिता को ही अपदस्थ कर दिया, उसके साथ हाथ मिलाया, जिनको फूटी आंख नहीं सुहाते थे, 23 मई के बाद जो फिर एक दूसरे के साथ गाली ग्लौच करेंगे, वे महाविलाटी लोग आज उसी तरह बर्ताव करें जैसे बाढ़ में सांप, मेंढक और बिच्छू साथ हो जाते हैं। बड़ा तंज योगी आदित्यनाथ का, योगी आदित्यनाथ का बड़ा तंज आया है गठबंधन पर। 6वें चरण का चुनाव ठीक एक दिन पहले, बड़ा तंज सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो बाढ़ में सांप, बेढक और बिच्छू साथ हो जाते हैं ये कहना। और देखिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, कल 6वां चुनाव और उसके ठीक पहले सांप बिच्छू कह दिया है कि एक साथ आ गए हैं और औरंगजेब की तरह भी तुलना कर दी है। बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से अब चुनाव के 2 चरण बाकी हैं, उससे पहले ही हमला और ज़्यादा तीव्र हो गया है। इससे पहले भी को लेकर इस तरह के बयान सामने आ गए थे, खुद पीएम मोदी ने जिस तरह से शराब बताया था, उसके बाद अनुपमा जायसवाल भी जानवरों से तुलना करती आई थी, और खुद अब सीएम योगी ने जिस तरह से विपक्ष पर हमला बोला है, उसके बाद अब वार पलटवार की ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी विपक्ष को केर बेर का संग भी सीएम योगी ने बताया था। लेकिन जिस तरह से दुर्योधन, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं इस चुनाव में आ सकते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर तमाम उपायों का प्रयोग किया जा रहा है हमला करने के लिए। जी बिल्कुल, अशयेंद्र क्या लगता है असर क्या होगा इसका, क्योंकि ट्विटर वॉर जबरदस्त तरीके से हावी रहा है 2019 चुनाव में। बिल्कुल, जिस तरह से इस चुनाव को देखें खुशबू, इस बार तो इस तरह के हमले कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, जिसका असर जनता में किस तरह से होता है, माहौल बनाने के लिए इस तरह से पर्सनल अटैक करने से किस तरह का प्रभाव पड़ता है, क्या इसका चुनाव में असर होगा, क्योंकि मुद्दों से हटकर जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं, इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं, तो पर्सनल अटैक से माहौल जरूर बनता है, तो इसका असर चुनाव में कितना होगा ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ है, देखते रहिए भारत समाचार।